देवास जिले के बागली विकासखंड के चापड़ा गांव के कृषक उत्पादक समिति कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कार्यालय का शुभारंभ कृषि मंत्री कमल पटेल और क्षेत्रीय विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे ने किया। इस समिति के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस समिति का उद्देश्य है कि किसान स्वयं बीज तैयार कर अन्य किसानों को उपलब्ध कराएंगे और समिति के माध्यम से ही किसानों की फसलों का उचित दाम दिलवाएं। कृषि मंत्री पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को सरलता से गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद उपलब्ध करवाने के साथ आय दोगुनी करने के लिए कृषक उत्पादक समिति का संचालन किया जा रहा है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हुआ ऐसा अगर खेती पर भी हो जाता तो इस देश का और दुनिया का क्या होता, दोनों टाइम से भोजन कहाँ से मिलता, सब्जी कहाँ से मिलती, दूध कहाँ से मिलता, लोग जिंदे कैसे रहते। 130 करोड़ लोग भोजन के बगैर जिंदे रह सकते हैं क्या? और इसलिए हमारा मानना है और मेरा तो मानना है कि किसान अन्नदाता भी है और जीवनदाता भी है। कोरोना में तो 1% 2% लोगों की जान गई, लेकिन अगर किसान के खेत में लॉकडाउन हो जाता तो कोई नहीं बचता। और इसलिए इस देश को ही नहीं पूरी दुनिया को अगर जन्म देने वाला ऊपर वाला है भगवान, तो पालने वाला है और जीवन देने वाला है किसान। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद 73 साल हो गए देश को आजाद हुए। इन 73 साल में ये जो जीवन दाता है, अन्न दाता है, खून बहाता है, पसीना बहाता है, लोगों को अपना भूखा प्यासा रहकर भी फटे कपड़े में भी मेहनत करके दुनिया का पेट भरता है, दुनिया को कपड़े देता है, लेकिन वो गरीब रहा। उसका कारण रहा कि जिनकी सरकारें रही, जो सत्ता में रहे, उन्होंने इस किसान की चिंता नहीं की। और उसके कारण ये तो एक देश का दुर्भाग्य। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि किसानों की आय 2022 तक हम दोगुना करेंगे, तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, असंभव को संभव, नामुमकिन को मुमकिन करते हैं। और अब किसानों की आय 2 गुना और 3 गुना और 4 गुना करने के लिए हमने कृषि कानूनों में मंडी एक्ट में संशोधन किया है, मॉडल एक्ट बनाए। इससे किसान अब खेती करने के लिए मजबूर नहीं रहेगा, किसान खेती भी करेगा, किसान व्यापार भी करेगा, किसान उद्योग भी लगाएगा, किसान निर्यात भी करेगा, यानी जो कमाएगा मेहनत करेगा उसी को। अभी तक बिचौलिया कमाते थे 4 के 40, किसान को मिलते थे 4, अब किसान ही सब कुछ करेगा तो बिचौलिया हटेंगे, तो जो लाभ बिचौलिया कमाते थे वो किसान को मिलेगा। और उसके लिए हमने ये FPO बनाए, किसान कृषि उत्पादक समूह। और ये FPO 2 प्रकार के हैं, एक सहकारिता के क्षेत्र में, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये जो भूस्वरूपा कंपनी लिमिटेड के जो प्राइवेट लिमिटेड किया है, इसमें भी 562 करीब सदस्य बने हैं और बाकी बढ़ेंगे। इनके माध्यम से किसानों को बीज खाद दवाइयाँ देंगे अच्छा गुणवत्ता योग्य, उसके बाद उनसे माल खरीदेंगे और खरीद कर गहरा उस कोल्ड स्टोरेज फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनाकर वो खुद करेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो किसान आपस में बांटेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।